आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2500 के नोट कहाँ गायब हो रहे हैं, ना बैंक में ना एटीएम में ना आपके पास, आखिर कहाँ गायब हो रहे हैं 2500 के नोट। भारत में 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार के द्वारा नोटबंदी किया गया था। उस दिन से पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं चलने लगा था। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 और 500 के नए नोट जारी किया गया था। अभी मार्केट में 500 रुपया के नोट तो देखने मिलेगा, लेकिन 2000 के नोट नहीं देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 रुपया के नोट को बंद नहीं किया गया है, वह अभी भी चल रहा है। बल्कि अप्रैल 2019 के बाद रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 रुपया के एक भी नोट नहीं छापा गया है। 2000 रुपया के नोट की छपाई नहीं होने की वजह से मार्केट में कम देखने को मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा। आने वाले समय में 2000 रुपया के नोट छापा जाएगा या नहीं, इसके बारे में रिजर्व बैंक के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दिया गया है। जितना भी नोट छापा गया था, जनसंख्या के अनुसार वह बहुत कम है और सारे व्यक्ति में बटा हुआ है।